तस्वीरों में देख सकते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इस रबर डैम का लोकार्पण किया है। सीधे तस्वीर जो है वो आपको हम दिखा रहे हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं हूँ आपके साथ शिवम। इस वक्त हम मौजूद हैं ज्ञान और मोक्ष की भूमि गया में है। आपको बता दें कि देश का सबसे बड़ा डैम और बिहार का पहला रबर डैम बनकर तैयार हो गया है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इस रबर डैम का लोकार्पण किया है। सीधे तस्वीर जो है वो आपको हम दिखा रहे हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और बिहार सरकार के तमाम जितने भी मंत्री हैं वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। और उन सभी लोगों के द्वारा जो देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनाया गया है उसका उद्घाटन हो चुका है। तो सीधे तस्वीर जो है वो आपको हम रबर डैम की भी दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वही रबर डैम है जिसका निर्माण बिहार सरकार की जल संसाधन विभाग के द्वारा करवाया गया है और इसकी लागत लगभग 312 करोड़ रुपये है। आपको बता दें कि इसकी लंबाई टोटल 411 मीटर है और अगर हम चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई 95.5 मीटर है। तो आपको बता दें कि यह कहा जाता है कि फल्गु नदी में 365 दिन में या हम 12 महीने की बात करें तो बस दो ही महीने यहाँ पर जो पानी है वो उपलब्ध रहता था। और ऐसे में जितने भी लोग देश भर से और विदेशों से अपने पूर्वजों का पिंडदान करने पहुँचते थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अथक प्रयास के बाद जल संसाधन विभाग के द्वारा गया जिला में जो रबर डैम है उसका निर्माण कराया गया है, जिसका उद्घाटन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ तेजस्वी यादव और बिहार सरकार के तमाम मंत्रियों ने किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में जो गया जिले के लोग हैं वो भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि कल से ही पितृपक्ष मेले की मेला का भी शुभारंभ होने वाला है। देश भर से लगभग 10 लाख की संख्या में जो श्रद्धालु होते हैं वो अपने पूर्वजों का पिंड दान करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। और ये विष्णुपद मंदिर से सटे ही इस रबर डैम का निर्माण कराया गया है। और इस पुल के माध्यम से जो लोग भी विष्णुपद मंदिर से सीता कुंड अगर उन्हें जाना होगा उन्हें भी अब काफ़ी ज़्यादा सुविधा होगी, क्योंकि ये जो डैम के ऊपर ही जस्ट जो पुल बनाया गया है वो एक दूसरे से कनेक्ट भी होगा। तो सीधे तस्वीर जो है वो आपको हमने दिखाई है कि देश का सबसे बड़ा रबर डैम और बिहार का पहला रबर डैम जो है वो बिहार के जिला गया में बनकर तैयार हो गया है। और इसका लोकार्पण जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया है। बहरहाल बने रहे हमारे साथ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।